मध्य प्रदेश के किसानों ने बीजेपी सरकार की योजनाओं को देखा है और 15 महीने कमलनाथ की सरकार में कष्ट भी भोगा है। ये कहना है बीजेपी के प्रदेश महामंत्री और किसान नेता रणवीर सिंह रावत का। साथ ही साथ रणवीर सिंह ने कहा कि कृषि कानून का विरोध करने वाले किसान संगठन बिचौलिए और दलाल हैं, जो किसानों का शोषण कर रहे हैं। कांग्रेस और कुछ लोग इन दलाल लोगों का समर्थन कर रहे हैं। भारत सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, केंद्रीय मंत्री, कृषि मंत्री जी ने जो कानून लाए हैं वो किसानों के हित में है। बेहतर विकल्प किसानों के पास मिले, बेचने के लिए उसके पास ज्यादा मार्केट हो, किसान स्वयं अपनी फसल बेच सके, इसलिए ये आने वाले समय की दृष्टि से बहुत बेहतर निर्णय है। और किसानों के संगठन की जहाँ तक बात है, मैंने कहा कि कुछ लोग दूसरे दलों से प्रभावित होकर के और कुछ तथाकथित जो व्यापारी हैं, दलाल हैं, उनके बहकावे में आकर इस प्रकार के काम कर रहे हैं। और हमारा केंद्रीय नेतृत्व लगातार किसानों से बातचीत भी कर रहा है। जो कुछ भ्रम किसानों के बीच में, संगठनों के बीच में, अभी 4 दिन पहले केंद्रीय कृषि मंत्री जी ने पंजाब के किसानों से बात की, उनके भ्रम को दूर करने का काम किया। और केंद्र सरकार का कहना है कि किसान आकर